नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारियों का जायजा लेने सुल्तानगंज पहुंचे प्रमंडलीय आयुक्त, मेला से पूर्व तैयारी पूरी करने के दिए निर्देश। श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर डीएम ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक, समस्याओं के लिए जानकारी। अतिक्रमण हटाने के दौरान शौचालय में बैठे बुजुर्ग पर गिरा मलबा, हालत गंभीर। गोपालगंज में हुई अजीबोगरीब घटना, बच्चे को सांप ने डसा, बच्चा सुरक्षित, सांप की हुई मौत। और इंटरनेशनल ओलंपिक डे पर स्कूली छात्राओं ने निकाली रैली। अब खबरें विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी का जायजा लेने गुरुवार को भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे जिले के कई अधिकारियों के साथ सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम पहुंचे, जहां कमिश्नर ने कच्ची कांवरिया पथ होते हुए अजगैवीनाथ गंगा घाट एवं नमामि गंगे के तहत बने जहाज गंगा घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त ने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एडीएम राजेश झा राजा और सदर एसडीओ धनंजय कुमार समेत सुल्तानगंज के स्थानीय पदाधिकारियों से श्रावणी मेला की तैयारी और उद्घाटन स्थल के बारे में जानकारी ली। वहीं निरीक्षण के दौरान डीएम ने कमिश्नर दयानिधान पांडे को जहाज घाट में बने नमामि गंगे के तहत गंगा घाट पर बने श्रावणी मेला के उद्घाटन स्थल और कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इधर आयुक्त ने कहा कि उन्हें श्रावणी मेले की तैयारी से जुड़ी जानकारी जिले के वरीय अधिकारियों से मिली है, जिसमें कांवरिया का विशेष ख्याल रखने की बात कही गई है और श्रावणी मेला में देश विदेश से आने वाले कांवरिया या श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं इस दौरान आयुक्त ने श्रावणी मेला क्षेत्र के बिहार बॉर्डर, चादन कटोरिया, अजगैवीनाथ गंगा घाट और जहाज घाट का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। मौके पर सिटी एसपी शरण प्रभार, डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, सीओ शंभु शरण राय और बीडीओ मनोज कुमार मुरमुर सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। भागलपुर के सुल्तानगंज अजगैवीनाथ धाम नगर परिषद भवन में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने जिला एवं प्रखंड के तमाम अधिकारियों के साथ सभी दल के कार्यकर्ताओं एवं श्रावणी मेला क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में डीएम ने सभी दल के जनप्रतिनिधियों से श्रावणी मेला क्षेत्र के तमाम समस्याओं के बारे में जानकारी ली और विभाग के तमाम पदाधिकारियों को अविलंब कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान कांवरियों के लिए विश्राम गृह एवं मनोरंजन को लेकर की जाने वाली तैयारियों पर भी डीएम ने चर्चा की। डीएम ने कहा कि कोविड-19 के कारण पिछले 2 वर्षों से श्रावणी मेला का आयोजन नहीं हुआ, लेकिन इस बार श्रावणी मेला की तैयारी में किसी प्रकार की कमी या कोताही नहीं बरती जाएगी और कांवरियों को जो भी सुविधा मिलती थी उसका इंतजाम किया जाएगा। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने रेलवे समेत जिले के अलग अलग विभाग के अधिकारियों से कांवरियों की सुविधा से संबंधित जानकारी लेकर समय पर कार्य पूरा करने की बात संबंधित अधिकारियों को कही। डीएम ने बैठक के दौरान एडीएम राजेश झा राजा, एसडीओ धनंजय कुमार, सिटी एसपी शरण प्रभात, डीसीएलआर गृजेश कुमार, सिविल सर्जन पदाधिकारी उमेश शर्मा और सुल्तानगंज सीओ एवं बीडीओ को विशेष तौर पर तैयारियों पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया। मौके पर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार, सुल्तानगंज सीओ शंभु शरण राय, वीडियो मनोज कुमार मुर्मू, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर रतन लाल ठाकुर, थानाध्यक्ष लाल बहादुर सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ऑलरेडी हम लोगों ने 2 बैठकें कर ली और आयुक्त महोदय के द्वारा भी जो है बैठक हो गई। इससे पहले मेरा स्थल निरीक्षण भी जो है वो मई के अंत में ही हम लोगों के द्वारा कर लिया गया था। तो सारी तैयारियां ससमय चल रही हैं, आप लोगों ने भी सुना है। जहां थोड़ी बहुत कमी है उसको अगले हम लोग 2 सप्ताह में निश्चित रूप से 7 तारीख तक सारी तैयारियों को एकदम मुकम्मल करा लेंगे, कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगी। और हम लोगों का कंट्रोल रूम, मेला दंडाधिकारी, सीनियर ऑफिसर्स का डिप्रेशन, सारी व्यवस्थाएं जो है वो बिल्कुल हम लोग अच्छे से रखेंगे ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। मेडिकल फैसिलिटी वगैरह की भी जो व्यवस्था होती है उसमें भी किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, ये भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो सारी तैयारियाँ अच्छे से चल रही हैं और ससमय पूर्ण कर रही हैं।
भागलपुर के सुल्तानगंज में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक घर के शौचालय में बैठे बुजुर्ग पर मलबा गिर जाने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि अतिक्रमण हटाने गई टीम ने जेसीबी को घर के शौचालय की तरफ लाया और उसे ध्वस्त करने लगे, जिसके चपेट में शौच करने गए बुजुर्ग आकर घायल हो गए, जिससे वृद्ध व्यक्ति को गंभीर चोट लगने से उनका सिर फट गया। बता दें कि सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के नवादा पंचायत के वार्ड संख्या 11 अंतर्गत अटकामा गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है और गुरुवार को अपजुगंज से कठारा जाने वाले सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए सुल्तानगंज सीओ और बीडीओ बुलडोजर लेकर दलवल के साथ पहुंचे थे। इस दौरान वार्ड सदस्य विमला देवी के शौचालय पर भी प्रशासन का बुलडोजर चला और ये घटना हो गई। वहीं घटना को लेकर आरोप लगाते हुए गृह स्वामी ने कहा कि प्रशासन की टीम को शौचालय में बुजुर्ग वासुदेव मंडल के बैठे होने की जानकारी दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद जबरन शौचालय पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसकी वजह से बुजुर्ग के ऊपर मलबा गिर गया। इधर घायल वासुदेव मंडल को आनंद फानंद में सुल्तानगंज अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए वृद्ध को गंभीर हालत में भागलपुर रेफर कर दिया गया। पैखाना रूम में बैठा था, डोजर आया, डोजर आने के बाद की कहता है उसको, बोल रहा है कि अभी निकलने दीजिए बाहर, तब तोड़ दीजिएगा डोजर वो सड़क को तोड़ने के लिए, चौड़ा करने के लिए। वही की कहता अंदर पैखाना रूम में बैठा था, उसके बाद वो क्या कहता है जेसीबी ने तोड़ने लगा तो मना किया कि रुक जाइए अभी निकलने दीजिए तोड़ दीजिएगा, लेकिन नहीं माना। सांप के काटने से लोगों की मौत की बात तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन इंसान को काटने के बाद खुद सांप की मौत होने की खबर विरले ही सुनने को मिलती है। दरअसल बिहार के गोपालगंज से एक बच्चे को सर्पदंश के बाद सांप की मौत हो गई, जबकि बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित बताया जा रहा है। अब इसे ईश्वर की लीला कहे या जीवन मरण का शाश्वत सच, लेकिन यह एक सच्ची घटना है। बताया जा रहा है कि गोपालगंज में एक कोबरा ने 4 साल के बच्चे को डसने के बाद खुद ही तड़प तड़प का दम तोड़ दिया, जिससे सभी लोग काफी हैरान और अचंभित हैं। वहीं इस घटना की खबर फैलते ही कोबरा और बच्चे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जाता है कि बरौली थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव निवासी रोहित कुमार का 4 साल का पुत्र अनुज कुमार अपने मामा के घर कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासा मुसा खजूरी टोला गया था, जहां बुधवार की शाम दरवाजे के सामने बच्चों के साथ अनुज कुमार खेल रहा था। तभी इस दौरान खेत की ओर से कोबरा सांप तेजी से आया और बच्चे के पैर में दस लिया। वहीं इसके बाद सभी बच्चे वहां से भाग गए, लेकिन इसके बाद ग्रामीणों की नजर कोबरा और बच्चे पर पड़ी, लेकिन लोग सांप को मारते उससे पहले ही कोबरा ने खुद तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, जबकि बच्चा वहीं पर खेलता रहा। हालांकि आनंद फानंद में परिजन बच्चे को लेकर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे, जहां डॉक्टर ने बच्चे को पूरी तरह से स्वस्थ बताया। इंटरनेशनल ओलंपिक डे के अवसर पर गुरुवार को भागलपुर के कार्मेल स्कूल के छात्राओं ने रैली निकाली, जिसमें स्कूल की कक्षा 6 से 8वीं की करीब 600 छात्राओं ने हिस्सा लिया और ओलंपिक दिवस के साथ खेलकूद के प्रति लोगों को जागरूक कर संदेश दिया। रैली स्कूल से निकलकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक पहुंची, जिसके बाद पुनः भ्रमण कर स्कूल में ही रैली संपन्न हुई। वह इसको लेकर स्कूल के मीडिया प्रभारी राजेश कुमार शाह ने बताया कि प्रत्येक वर्ष 27 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है, जिसको लेकर स्कूल के छात्राओं ने रैली निकाली, जिसमें स्कूल की टीचर मधुमिता, ममता, राखी, संतावना समेत काफ़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षिका और नॉन टीचिंग स्टाफ ने शामिल होकर ओलंपिक के प्रति युवाओं को जागरूक किया। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
भागलपुर बाईपास बंद से टिकर के समीप कामाख्या नगर में बुधवार को एबीसी लाइफ केयर अस्पताल का शुभारंभ बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ऑनलाइन माध्यम से किया, जबकि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एडवांस वर्ड चीफ का उद्घाटन सांसद अजय मंडल, सिविल सर्जन उमेश शर्मा, आईएमए के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर संजय सिंह, लोजपा नेता अमर सिंह कुशवाहा और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्वलित कर किया। वहीं मंत्री मंगल पांडे ने अपने संबोधन में एबीसी लाइफ केयर अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है, इसी कड़ी में हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से भी मरीजों को रियायती दर पर सेवा देने की अपील कर रहे हैं। साथ ही कहा कि हमें उम्मीद है कि भागलपुर के एबीसी हॉस्पिटल में मरीज को कम खर्च में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हॉस्पिटल के डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, डॉक्टर अजय कुमार और इंजीनियर स्वांद्वाना कुमारी के विशेष सोच और पहल की काफी सराहना की। सांसद अजय मंडल ने कहा कि अस्पताल में आधुनिक और सस्ता इलाज होगा जिससे गरीब मरीज को राहत मिलेगी। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि अस्पताल में लोगों को 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा मिलेगी, साथ ही सैनिकों, विधवाओं, महिलाओं और दुर्घटनाग्रस्त लोगों को विशेष छूट दी जाएगी। जबकि डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भागलपुर के दर्जनों मरीज की जान पैसे के अभाव में चली गई, कम खर्च में मरीज का बेहतर इलाज हो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एडवांस वर्ड चीफ अस्पताल की स्थापना की गई है। कार्यक्रम में डॉक्टर विनय कुमार झा, डॉक्टर प्रसन्न कुमार समेत कई चिकित्सक, शिक्षाविद, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। तो आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं राज्य के अंदर एक प्रमुख केंद्र, प्रमुख शहर भागलपुर में एबीसी हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहा हूं। ऐसे तो मुझे व्यक्तिगत रूप से आके इस हॉस्पिटल के उद्घाटन करने का अवसर मिलने वाला था, कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से मैं आज की तारीख में भागलपुर नहीं आ पाया और इस कारण हमने निर्णय किया कि एबीसी हॉस्पिटल का उद्घाटन हम वर्चुअली पट्टा से करेंगे। देखिए, मैं दो मिनट और समय लूंगा। कोरोना काल में इस तरह से हॉस्पिटल और एम्बुलेंस के नाम पर लूट मची, लोगों का आर्थिक दोहन हुआ, मानसिक दोहन हुआ, इस वजह से हम लोग भाव विह्वल हो गए। इसी चीज में हम डॉक्टर अजय सिंह एवं सांत्वना तीनों मिलकर के ये निर्णय लिए, हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जहां सारी सुविधाएं होंगी लेकिन हम रेट कम लेंगे। गरीब से गरीब जनता भी अभी इच्छा यही है कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराऊं और वो हमारे हॉस्पिटल में सहज इलाज करा के यहां से जा सके, यही हमारी इच्छा है। इस हॉस्पिटल का खुलने के पीछे यही मेरी मंशा है। साथ ही हमारा हॉस्पिटल का नाम ही है एडवांस वर्ड चीफ, मतलब एडवांस सुविधा के साथ साथ हम सस्ता इलाज करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी का, जिन्होंने ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया, उनको धन्यवाद देते हैं। और हमारे बीच जो अन्य गेस्ट आए हैं, माननीय सांसद हैं, सांसद महोदय डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर संजय सिंह, सिविल सर्जन साहब, सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मीडिया कर्मी साथ में यहाँ के भागलपुर के सभी लोग जो यहाँ आए हैं इस हॉस्पिटल के उद्घाटन में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यह इस अस्पताल का जैसा नाम है एबीसी एडवांस वर्ड चीफ, हम लोगों का सारा स्पेशलिटी है, यहाँ तक कि सुपर स्पेशलिटी भी है, चाहे वो चाइल्ड का आईसीयू हो जो अभी भागलपुर में कहीं भी अच्छे से रन नहीं कर रहा था, या बड़े लोगों का आईसीयू है, डायलिसिस है, ऑर्थो है, न्यूरोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, सारे सुविधा रहेंगे, महिला के लिए भी रहेंगे। लेकिन अपने नाम के अनुरूप हम लोग उत्कृष्टता बनाते हुए इसको सस्ता से सस्ता कोशिश करेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ खर्च तो होगा लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल बदनाम हो रहा है उस बदनामी को कम करने का हम लोग काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम में यहाँ इलाज हो जाए।
घोघा से कहलगांव तक एनएच 80 की बदतर हालत के कारण इस सड़क पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे कई बार दुर्घटना भी हो चुकी है। वहीं इसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि पिछले एक वर्ष में इस जर्जर सड़क के कारण दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि खराब सड़क की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जबकि आम लोगों को हमेशा जान जोखिम में डालकर सड़क पर चलना मजबूरी बन गई है। वहीं इसको लेकर भागलपुर सांसद अजय कुमार मंडल ने कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव से पूर्व चुनाव जीतने के बाद एनएच 80 को बनवाने का वादा किया था, लेकिन 3 साल होने के बाद भी अब तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ, जबकि खानापूर्ति के लिए सिर्फ सड़क पर पिचिंग कर दिया जाता है, जिससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। आप आज से 2 महीना पहले देखे होंगे इससे भी ज्यादा जर्जर स्थिति में था, आज उससे अच्छा स्थिति में है ना, इसी तरह सुधरते तो सब सुधर जाएगा। कितना दिन में सुधरेगा? 2 साल में, क्योंकि जब तक कि रोड बन करके कंप्लीट है उसका रोड बनाने का समय ही 2 साल दिया गया है, तो हम कहते थोड़े 3 महीना के अंदर सुधर जाएगा, रोड बनाने में लगेगा 2 साल। नहीं, हम लोग गुजर रहे थे तो सांसद महोदय वो चुनाव के समय में कहे थे कि 90 दिन में बन जाएगा। 90 दिन में मैंने रोड बना दिया था, तो कहीं नहीं, समूचा भागलपुर से मिर्जा चौकी तक पिचिंग हो चुका था, और 90 दिन में एक बार नहीं, 3 साल में मैंने 3 बार पिच करवाया। आप रिकॉर्ड उल्टा करके देख लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए। लेकिन है क्या कि रोड जिस समय बना था ये आज से बहुत दिन पहले, 20 साल 25 साल पहले, उस समय ये रोड बहुत 6 चक्के का मानक का रोड था, और आज इस पर 28 चक्के का गाड़ी चलती है, रोड रहेगा नहीं। लेकिन अब अगर 100 चक्के की भी गाड़ी चलेगी तो दिक्कत नहीं, क्योंकि अब जो बन रहा है वो 100 चक्के के मानक से बन रहा है। सर, हमें लगता है जब से लॉकडाउन लगा उससे 2020 में लगा, उससे पहले भी रोड खराब था, लेकिन इतना खराब नहीं था सर जितना कि अभी आप लोग देख रहे हैं। हमको लगता है ये दीरा से खराब सड़क है। सर, हम चाहते हैं केंद्र सरकार में बैठे मंत्री लोग देखे, खासकर नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी जो कि विकास का बात करता है, उसको बताइए कि इसमें 5 किलोमीटर का ये एरिया पड़ता है, उसमें उसको पैदल चलवाइए एक दिन के लिए, उसको समझ में आ जाएगा, तब रोड और रेल दोनों जाम करेंगे। इस रोड को सुधारने के लिए? हाँ, रोड को सुधारने के लिए। ये सांसद का गांव है, और सांसद के गांव से लोग बोल रहे, इतने नाराज हैं कि अगर ये रोड की स्थिति नहीं सुधरती है तो हम लोग रोड जाम करेंगे, क्योंकि बरसात में ये तालाब और जाकर के जब गर्मी का दिन होता है तो धूल इतनी ज्यादा उड़ती है कि लोगों को इस रास्ते से चलना मुश्किल हो जाता है। भागलपुर के वार्ड संख्या 19 स्थित लहरी टोला में नाला निर्माण को लेकर बंद किए गए नाले का पानी निर्माण कर्मी के द्वारा पंपिंग सेट से सड़क पर बहा दिया गया, जिससे सड़क पर आने जाने वाले लोगों को नाला के गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं इसको लेकर परेशान स्थानीय लोगों का कहना है कि नाला का काम करीब 2 महीने से चल रहा है और धीमी गति से काम होने के कारण इस सड़क से आवागमन करने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर चांद झुंझुनवाला ने बताया कि करीब 35 वर्षों से यह रोड नहीं बना था, जिसके कारण नाला का निकासी नहीं बन सका, लेकिन अब जब इसका निर्माण हो रहा है तो कार्य की गति काफी धीमी चल रही है। ये नाला का काम विगत 2 महीने से चल रहा है, रोड पे पानी जो है, हाँ, इसका मतलब 10 दिन से चल रहा है, 10 दिन अभी बरसात के कारण से रुक गया है, और काम तेजी से नहीं बल्कि एकदम धीमा गति से चल रहा है, एकदम धीमा गति से चल रहा है। हमारा जैसे चांद झुंझुनवाला है, इन्होंने आज अपने मार्फत से इनको दर्शाया भी, हमने आज न्यूज़ भेजा है, और आज न्यूज़ भी गया है इस चीज़ का, और हम लोग को काफ़ी परेशानी इससे। मैं 35 साल से इस मोहल्ले में रह रहा हूँ, और 35 साल में ना आज तक लहरी टोला रामगात का पथ नाम है, लेकिन उस पथ में कोई भी प्रकार का रोड का सुविधा हम लोग को आज तक नहीं मिला हुआ है, नाला का निकासी कभी नहीं हुआ है, जबकि लहरी टोला गोभी लहरी टोला से पूरे शहर का हतिया नाला गुजरता है, मतलब सुजागंज से लेके लोहापट्टी सारा पानी इसी होके जाता है, फिर भी नाला उस हिसाब से ना बन रहा है। पहले वो हतिया नाला था, अब तो हम कहेंगे वो चूहा नाला है, जिसमें से अब एक छोटा जीप भी नहीं गुजर सके। नाला पहले 6 फीट 8 फीट का था, अभी वो 3 से 4 फीट का दिया जा रहा है, और जो ढलाई हो रही है वो पानी निकाल के पानी में ढलाई हो रहा है, उसका क्या टिकाऊ रहेगा? आप छत ठीक है, कोई अच्छा दे रहे हो, आप बुरा दे रहे हो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बढ़िया नहीं बन रहा है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारियों का जायजा लेने सुल्तानगंज पहुंचे प्रमंडलीय आयुक्त, मेला से पूर्व तैयारी पूरी करने के दिए निर्देश। श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर डीएम ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक, समस्याओं के लिए जानकारी।
अतिक्रमण हटाने के दौरान शौचालय में बैठे बुजुर्ग पर गिरा मलबा, हालत गंभीर। गोपालगंज में हुई अजीबोगरीब घटना, बच्चे को सांप ने डसा, बच्चा सुरक्षित, सांप की हुई मौत। और इंटरनेशनल ओलंपिक डे पर स्कूली छात्राओं ने निकाली रैली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।